बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने 12th पेपर हैकर में। और आज किस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग, बीए सेकेंड ईयर वालों का एक पेपर हुआ है एमजेपीआर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैं आपको उस पेपर के बारे में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से पेपर बना था और हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे वो कितने फंसे हैं, ये क्लियर होता है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो हम उस बात पर कितना खरा उतरते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और 70% का जो वादा करते हैं हम आपसे वो क्या पूरा करते हैं नहीं, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आपने अभी तक हमारे नोट्सों को डाउनलोड नहीं किया है तो paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, जिसका देखो नीचे एक लाइन चलती होगी, ठीक है, इस वीडियो के नीचे एक लाइन चल रही है कि हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम यूपी पुलिस स्टैट वगैरह के नोट्स डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in पर विजिट करें। तो आपको paperhacker.in पर जाना है और नोट्स को डाउनलोड, एमसीक्यू डाउनलोड सब कुछ कर लेना है, ठीक है। आपको अब बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर हैकर आपका हमेशा साथ देगा। अब देखिए यहाँ जो पेपर होने, ये पेपर जो हुआ है वो 2022 का पेपर है, आप देख रहे हैं 2022 का पेपर हुआ है, बीए पार्ट टू वालों का हुआ है, इकोन और फिजिकल सॉरी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। अब ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हुआ है, कैसा हुआ है, पेपर फर्स्ट हुआ है, ठीक है। और जो उसका पेपर है एम जे पी आर यू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों का है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो क्या क्या आया था पेपर में, वो जरूरी है जानना। तो देखो क्या क्या है चेक कर लेते हैं, आज का पेपर कैसे बना था। पूरा पेपर 50 नंबर का होता है, एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर 50 नंबर का पेपर होता है, देख लीजिए 3 घंटे में सोल्यूशन करना होता है पेपर का, ठीक है। और यहाँ सेक्शन नंबर ए दे रखा है, सेक्शन नंबर ए में हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि दीर्घ क्वेश्चन पूछता है, जिसे हमें लगभग में 500 वर्ड में लिखना होता है, और वही आपको लगभग बता रहा हूँ ये आपको हो जाएगा, या फिर 300 से 300+ वर्ड में लिखना होता है, ये आप 3 पेज या फिर 3 पेज में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। सिंपल तरीके से समझिए कि 3 पेज में लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम कह रहा है कि नहीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, क्वेश्चन केवल 3 क्वेश्चन रन करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसके 3 क्वेश्चन करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन ही यही है, और पहला क्वेश्चन इसको बोलेंगे, पहला क्वेश्चन है अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस की खोज किसने की थी, अरस्तु ने, लेकिन क्यों कहा जाता है इनको जनक, उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ बना था, देखो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, वही फंसा है। यदि आप वो क्वेश्चन ना कर पाए, ये वाला आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो इसके अथवा वाला ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। प्लेटो के दार्शनिक राजा और न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, प्लेटो के दार्शनिक जो राजा था और उसका जो न्याय सिद्धांत था उसकी विवेचना करने के लिए हमसे बोला गया, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया पेपर में, ध्यान से देख लो। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आप ध्यान से नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आप इसके अथवाला क्वेश्चन को भी थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके अथवाला क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखो यह है दूसरा, जो कार्ल मार्क्स थे उनके द्वयात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की समझाइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, पूरा फंसा है, देख लीजिए। यदि आप वो क्वेश्चन ना कर सके तो आप इसका राजनीतिक चिंतन क्या होता है इतिहास में, हॉस के योगदान उनके मूल्यांकन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चन यहाँ बनाए गए, आप ये क्वेश्चन ना करें तो आप ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से जो दल करे वो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, तीसरे क्वेश्चन को यदि देखी जाए, यहाँ देखो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद जनक क्यों कहा जाता है, समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है। यदि आपको ये समाजवाद जो मार्क्सले थे उनके द्वारा उनको समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है, यदि आप ये याद क्वेश्चन ना हो तो इसके अथवाला कर सकते हैं, बेंथम के उपयोगवादी अवधारणाओं पर टिप्पणी लिखिए। बहुत सिंपल तरीके होते हैं, इनको एक बार आप पढ़ोगे ना तो अपने आप बना के लिख दोगे, पूरा बनाने के लिए बोलता है, इसमें फालतू कुछ नहीं होता, ठीक है, आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़ने के बाद में 50% से ज्यादा याद हो जाता है। और जो हम क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, उनको रट के जाया करो, और 3 से 4 महीने पहले मैं आपको देता हूँ 85%+ का जो वादा, उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया करो, जो 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं, बस इतने क्वेश्चन पढ़ लो। 2 दिन पहले 10 क्वेश्चन देता हूँ जो आपके पेपर में आते होते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ कह रहा है सेक्शन नंबर बी में जाते हैं, और सेक्शन नंबर बी में हमसे बोलता है लघु उत्तर प्रश्न, जिसे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। यहाँ देखिए पहला ही क्वेश्चन हमसे बोला गया है, पहला क्वेश्चन है जो एक्विनास के योगदान का संक्षेप वर्णन करना है, एक्विनास क्या थे, उनका योगदान क्या रहा है वो करना है, मध्ययुग
अरस्तु किसे कहा जाता है उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा समझाना है। उसके बाद में है सिस्को, देखो सिसरो के राजनीतिक विचारों की आलोचना, तो गया का पूरा क्वेश्चन, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था कि भाई रट के जाना इस क्वेश्चन को, पूरा पेपर फंसा में था, पूरे पेपर में फंसा है। और ये देखो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या, ये भी देखो पूरा पेपर में आया है। जो क्वेश्चन दिए है भाई, देखो बूंदा के बारे में बताया था, प्रस्तुता संबंधी विचारों को उल्लेख करके जाना, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है। उसके बाद में नीचे वाला पांच, देखो यहाँ छठा क्वेश्चन देखो, विश्व बंधु एवं युद्ध ठीक है संबंधी ग्रीन के विचारों को बताना है, ये क्वेश्चन देखिए। यदि आपको ये क्वेश्चन ना कर सके तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखो सातवां क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ है राज्यों के वास्तविक आधार बल नहीं अच्छा है ग्रीन, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यहाँ बोला गया कि राज्य के वास्तविक आधार पर बल नहीं अच्छा है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। और आठवां क्वेश्चन बोला है मैकियावेली के अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है, और देखो मैकियावेली को अपने, देखो यहाँ कह रहा है मैकियावेली को अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हर साल इंपोर्टेंट देता हूं, ठीक है। तो आप मैकियावेली के बारे में मैंने बताया था, पूरा क्वेश्चन फंसे हैं, पांच की पांच ही फंसे हैं और तीन ऊपर फंसे हैं, टोटल आठ के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फंसे हैं। हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार, जिन जिन छात्रों ने एमसीक्यू क्वेश्चनों को लगा के आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो हमारा ध्यान से देख लो, या फिर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो। हमारे एमसीक्यू क्वेश्चनों के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यू के पीडीएफ को paperhacker.in की वेबसाइट पर जाकर, पेपर ठीक है, पेपर हैकर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in आप जाएंगे तो वहां पर आपको इन सारे प्लेटो के वास्तविक नाम क्या था, तो हमसे पूछा है प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था उसके बारे में से पूछा गया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन यहां देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये है दास कैपिटल किसने लिखी थी, तो दास कैपिटल किसने लिखे द्वारा लिखी गई थी, ये हमसे पूछा गया, ये एक पुस्तक थी दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद में है देखो दास्ता का सिद्धांत किसने दिया था, दास्ता का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये है चौथा, ये वाला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो ये वाला, ये है सिसरो की दो रचनाओं के नाम बताइए, सिसरो की दो रचनाएं कौन कौन सी थी उनके बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। और उन्होंने कोई रचना, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है हमसे, सिसरो की दो रचनाएं कोई बता दो जो भी आपको याद हो, ठीक है, कौन कौन सी याद है उन रचनाओं के बारे में हमसे बोला है। आप उनको रचनाओं के नाम लिख देते, पूरा नंबर मिल जाता, ठीक है। उसके बाद में हमसे लास्ट में जो पांचवा क्वेश्चन पूछा था वो इस तरीके से पूछा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो ये क्वेश्चन बने थे 2022 के पेपर में। आप देख लो एमसीक्यू बना दी मैंने, पूरा पेपर दिखा दिया, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर जिसको आपने सर्च कर रखे नेट पे पूरे क्लियर तरीके 100% राइट है, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बोल देना, कॉमेंट में लिख देना, उसको पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों के जितने भी आंसर लगा के आए हैं एक बार देख लेना, और अगले जो पेपर होने वाले हैं 2023-2024 में, तो इन पेपरों को जरूर देख के जाना, इसलिए इन पेपरों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी बोलते हैं ना, तब तक लिए बाय बाय।